तो अपन यहाँ से एमएस पेंट ओपन करते हैं। ये हमारा एमएस पेंट है, इसमें हम डबल क्लिक कर देंगे, ये ओपन हो जाएगा। ये हमारा एमएस पेंट ओपन हो चुका है। इसमें हमने यहाँ तक टेक्स्ट तक पढ़ लिया था और ये इरेजर टूल पढ़ लिया था। नेक्स्ट है ये कलर पिक टूल। इससे क्या होता है, हम कलर पिक कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एक शेप लेते हैं, हमने यहाँ पे सर्कल लिया, इसको ड्रैग करके इसको ड्रॉ कर दिया, और इसमें हम कर देते हैं आउटलाइन तो ब्लैक ही, ये वाला कलर हमने इसमें कर दिया। और यहाँ से अब एक और शेप लेते हैं, ये हमने एक और शेप ले ली। अब हमें बिना इस कलर पे यहाँ पे सेलेक्ट करिए, अब हमको बिना यहाँ पे सेलेक्ट करके करना है, सिर्फ कलर पिक पे क्लिक करना, वो स्पीकर ऑफ कर ली। ये हमारा कलर पिक है, इस पर हमने क्लिक कर दिया, हमारा कलर पिक हो गया। अब हम इस पर क्लिक करके इसमें फिर कर देंगे। केवल क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, जो भी कलर हमें चाहिए हम उस पर क्लिक करते हैं, वो कलर हमारे इसमें फिल हो जाता है, और फिर हम इसके द्वारा इसमें फिल कर सकते हैं। केवल इसको सिलेक्ट करना है। अभी इसमें यहाँ पे क्या है, ब्लैक कलर है, अपन ने इसके यहाँ पे क्लिक कर दिया, कलर अपने आप सिलेक्ट हो गया और हमारे पास फिल कलर का टूल आ गया है, ये आ चुका है। अब क्लिक करने से इसमें ये फिल हो जाएगा। इस तरह से हम कोई भी जो कलर है वो हमें चूज करना है, वो हम यहाँ से पिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये मैग्नीफाइंग। इससे साइज बड़ा होता है एक पर्टिकुलर पार्ट का। जैसे हम इस पर एक बार क्लिक कर देंगे, ये इसका साइज बड़ा होता जा रहा है। ये वाला टूल है मैग्नीफायर टूल, इस पे आप क्लिक, यहाँ पे ये आ जाएगा, ऐसा साइन आपको शो रहेगा। आप जैसे क्लिक कर देंगे एक बार तो ये बड़ा होता जाएगा। छोटा करने के लिए एक यहाँ से हो जाएगा, एक कंट्रोल के साथ आप स्क्रॉल कर्सर जो है इसको अंदर की साइड मूव करेंगे तो हो जाएगा, और अगला है ये व्यू से हो जाएगा, जितना छोटा उतना बड़ा। ये दो तीन तरीके से ये हो जाएगा, छोटा या जूम आउट या जूम इन, ठीक है। कट कॉपी पेस्ट, जैसे हमने यहाँ पे क्या करा, टेक्स्ट लिया, यह हमारा टेक्स्ट है, यह हमने टेक्स्ट लिया है। हम इसको क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से कट कर देंगे। अगर हमें यहाँ नहीं देना है, हमें कहाँ रखना है, ऊपर शो कराना है, यहाँ से हटाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको कट कर देंगे। ये कट हो गया, यहाँ से हट चुका है, और अब जहाँ पे भी जाना है वहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। ये पेस्ट है, इससे ये आ जाएगा। इनकी शॉर्टकट की क्या होती है, कट करने की होती है, कीबोर्ड में जो कंट्रोल की है ना उसके साथ एक्स, कंट्रोल एक्स, इससे ये कट हो जाएगा। और कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी, और ये पेस्ट करने के लिए वी फॉर वैन होता है ना वो वाला कंट्रोल वी, इससे ये कट कॉपी पेस्ट हो जाते हैं। अगर हमें ये यहाँ पे भी चाहिए और यहाँ पे भी चाहिए तो हम इसको कॉपी कर लेंगे या फिर कंट्रोल सी कर देंगे, बाद में फिर यहाँ आके इसको ड्रैग करेंगे और या तो पेस्ट कर देंगे या कंट्रोल वी कर देंगे, वो इधर भी आ जाएगा और इधर भी आ जाएगा। कट और कॉपी में अंतर क्या है, कट करने से वो यहाँ से हट जाएगा और जहाँ हम उसे पेस्ट करके रखना चाहते हैं वो केवल वहीं पे आएगा, और कॉपी करने से वो दोनों प्लेस पे रहेगा और एक और जगह पे कॉपी भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हाँ, जितनी बार हम कॉपी करना चाहें हम उसे कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। तो ये कट कॉपी पेस्ट आ गया आपको। नेक्स्ट है ये सिलेक्ट का। जैसे हमने क्या करा, ये शेप है हमारी, ये हमें यहाँ नहीं रखनी, हम इस पे सिलेक्ट पे जाते हैं। अब हमारे सामने ये दो ऑप्शन आते हैं। पहला है रेक्टेंगुलर सिलेक्ट, इसमें जब हम सिलेक्ट करते हैं ना तो हमारे रेक्टेंगुलर शेप में सिलेक्ट करता है। कैसे, हम इसको ड्रैग करेंगे, ये रेक्टेंगुलर शेप में सिलेक्ट हो गया, अब हम इसे मूव करके कहीं पे भी रख सकते हैं, ये सिलेक्ट हो चुका है। दूसरा क्या है, फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। इसके द्वारा क्या करते हैं, हम किसी भी तरह की शेप बना लेंगे,
लेकिन बाद में उसको वो रेक्टेंगुलर शेप में ही लेके सिलेक्ट कर लेता है। जैसे कि हमें इसको मूव करना है, हमने इसको किसी भी शेप में मूव कर लिया, अब जैसे ही क्लिक छोड़ देंगे ये इसको रेक्टेंगुलर शेप में ले लेगा। ले लिए और इसको सिलेक्ट कर दिया, अब हम इसको मूव कर सकते हैं। इसमें हमें एक पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर शेप में मिलता है, फ्री फॉर्म में हम जैसी चाहे वैसी शेप में कर सकते हैं। इसके बाद वो आप अपने अकॉर्डिंग उसको रेक्टेंगुलर शेप में लेके सिलेक्ट कर देगा। सिलेक्ट ऑल में ये पूरा पेज सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट ऑल किया, सारे सिलेक्ट हो गए, मतलब ये जितना जितना पूरा पेज था ना, जैसे हम यहाँ से इसका कलर चेंज करते हैं ये। अब हम सिलेक्ट ऑल करते हैं, हमने मूव करा, बैकग्राउंड का कलर शो हो रहा है आप लोगों को, क्यों? क्योंकि जो फोरग्राउंड का कलर था वो पूरा हम सिलेक्ट करके मूव कर चुके हैं, तो हमारे बैकग्राउंड में जो कलर था वो हमें अब शो हो रहा है। पहले उसमें व्हाइट था तो पता नहीं चल रहा था कि वो पूरा पेज मूव हो रहा है, अभी पूरा पता चल रहा है कि हाँ ये बैकग्राउंड का कलर है और ये पूरा पेज क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। इससे जो जो सिलेक्ट करा है इससे वो डिलीट हो जाएगा, केवल बैकग्राउंड का कलर बचा। अब जैसे हम यहाँ से कोई शेप लेते हैं, ये हमारी शेप है, हम इसमें कलर फिल कर देते हैं। ये वाला हमने इसमें कलर फिल कर दिया। अब क्या करना है हमें, हम इसको सिलेक्ट करेंगे और हमें केवल इतना ही चाहिए, उसके नीचे का नहीं चाहिए। तो जैसे अपन फोटोज क्रॉप करते हैं ना, कि जितना जितना एरिया हम सिलेक्ट करते हैं केवल वह उतना ही रहता है, बाकी का कट जाता है। इसी प्रकार हम यहाँ पे क्रॉप पे क्लिक कर देंगे, जितना हमने सिलेक्ट करा था केवल उतना रह जाता है, बाकी का एरिया कट जाता है। ये वापस कैसे आया? कंट्रोल जेड से। कंट्रोल जेड से क्या होता है, ये वापस आ जाता है। रोटेट, अभी शेप है ये सीधी है, अगर आपको इसको रोटेट करना हो तो ये इस प्रकार से रोटेट हो जाएगी। ये 90 डिग्री लेफ्ट में, ये 90 डिग्री राइट पे, ये 180 डिग्री पे, ये वर्टिकली में और ये हॉरिजॉन्टली में। इस तरह से आप इसे रोटेट कर सकते हैं। ये कट कॉपी पेस्ट का, ये सिलेक्ट करने का, यहाँ से क्रॉप हो जाएगा, यहाँ से पेज का रीसाइज हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल यानी आड़े में पेज का साइज बढ़ाना है, वर्टिकली में बढ़ाना है, या कुछ डिग्रियों में बढ़ाना है, स्क्यू मतलब डिग्रीज में बढ़ाना है, तो यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं इसमें। यहाँ से चेंज करके ओके कर देंगे, पेज में चेंज दिख जाएगा। ये पेंसिल टूल था, ये कलर पेकर, फिल कलर भी बोलते, कलर पेकर भी बोलते हैं, फिल कलर भी, और ये टेक्स्ट इरेजर, पिक कलर और मैग्नीफायर, और ये ब्रशेस के स्ट्रोक हैं। कि आपको जैसे यहाँ से अपन कलर लेते हैं, अब यहाँ पे ब्रशेस की स्ट्रोक देखते हैं। डिलीट करने के लिए अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे और ये जो कीबोर्ड में डिलीट की है इसे प्रेस कर देंगे। बैकग्राउंड का कलर इसमें शो हो गया क्योंकि वो डिलीट हो गया है, हम इसे वापस वाइट कर देते हैं। अब हम यहाँ पे कलर ले लिया ब्रशेस के स्ट्रोक। पहला है नॉर्मल ब्रश, आप कंट्रोल के साथ प्लस से क्या करेंगे, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। अब हम देखेंगे इसकी स्ट्रोक कैसी है, नॉर्मल ब्रश जैसी। सेकेंड कैलीग्राफिक ब्रश, ये इसकी स्ट्रोक है और ये कैलीग्राफिक ब्रश का सेकेंड पार्ट है। कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम ही है, क्योंकि 1:2 में क्या है, बस थोड़ा सा इसमें थोड़ा ज़्यादा ही तिरछा में जा रहा है, इसमें थोड़ा सा सीधे वे में आ रहा है। ये है स्प्रे, इसमें स्प्रे के द्वारा आपके उसमें कलर आएगा। नेक्स्ट है ये ऑयल ब्रश वाला, इसमें ऑयल ब्रश के जैसा आएगा। फिर है ये क्रेयन वाला, ये बचपन में अपन सब मोम कलर करते थे ना, ये वो वाले क्रेयन कलर्स में आया। ये मार्कर, ये पेंसिल कलर, जो पेंसिल कलर में करते थे ना सेम उसी वे में, तो यही सेम कलर इधर से भी आ जाएगा। और ये है वाटर कलर। तो ये सारी हमारी ब्रशेस की स्ट्रोक है, जिस भी वे में हमें पेंटिंग करनी हो वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं उस ब्रश का साइज, और फिर यहाँ से कलर पिक करके उसको कलर कर सकते हैं। ये हमारा शेप्स है, यहाँ से हमें जो भी शेप्स लेनी है वो शेप हम ड्रैग करके यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे कि ये हमने लिया है, इरेजर का साइज कैसे बढ़ाया था, कंट्रोल प्लस, कंट्रोल प्लस से